हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई के बारे में। तो ये क्या होता है, पिंक आई कंडीशन क्या होती है, ये किस कारण से होती है, ये कैसे फैलती है, और अगर ये आपको हो जाती है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और इसे फैलने से बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस किए जाने चाहिए। आज हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई ये जो कंडीशन होती है, इसमें आपकी आँख लाल हो जाती है और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन। तो ये दो प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं आपकी आँखों का लाल होना, आँखों में इरिटेशन आ जाना, और उसके साथ ही साथ आँखों में पानी आना, और कभी कभी पानी के साथ आँखों से पस भी आ जाता है या कि थोड़ा सा मवाद भी आने लग जाता है। इसके साथ ही साथ आपको लाइट की सेंसिटिविटी भी काफ़ी हो जाती है, जिसमें आपको लाइट में देखने से काफ़ी परेशानी होने लग जाती है और आपको मन करता है कि आँख बंद करके रखें। और इरिटेशन और ग्रिटीनेस सेंसेशन, जिसमें कि आँखों में कुछ धूल पड़ गई हो ऐसा आपका सेंसेशन आने लग जाता है, और इसमें कॉन्स्टेंटली आई रबिंग करने का मन करने लग जाता है और आँखों से कॉन्स्टेंटली पानी और डिस्चार्ज आने लग जाता है। ये कंडीशन दो प्रकार की होती है, या तो ये बैक्टीरियल या तो ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में यूजुअली आँखों में सिर्फ पानी आता रहता है और आपको आँखों से इरिटेशन की काफ़ी ज़्यादा फीलिंग होती है। जब आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो भी आपको आँखों में कॉन्स्टेंटली पानी के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज भी आने लग जाता है। जब आपको ये कंडीशन होती है तो आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक आँख में अगर आया हो तो उस आँख को रब करना अवॉइड करना है, और साथ ही साथ अगर आप उसमें वाटरिंग हो रही है तो उसे पोंछने के लिए आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, जिसे आप यूज़ करके तुरंत ही थ्रो कर सकते हैं। एक आँख को छूने के बाद दूसरी आँख को छूने के लिए अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपको वो इन्फेक्शन दूसरी आँख में भी फैल सकता है। साथ ही साथ आपको कॉन्स्टेंटली हैंड वॉश करना ज़रूरी होता है। आपको इरिटेशन हो रही होती है तो आप उसके लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है आँख में तो डॉक्टर को दिखा के उनकी सलाह से एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का भी शुरुआत करना बेटर हो जाता है। उसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप प्रिकॉशंस लें, जिससे कि आपके घर में दूसरे लोगों को ना फैले। ये प्रिकॉशंस इंक्लूड करते हैं हैंड वॉश करना, हो सके तो आपकी आइज़ को क्लीन करने के लिए स्टराइल क्लॉथ या डिस्पोजेबल क्लॉथ यूज़ करें, जिसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। टॉवल्स या पिलो कवर्स शेयर ना करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से वो स्प्रेड होता है। जहाँ तक हो सके अननेसेसरली चीज़ों को ना छूते रहें, क्योंकि ये स्प्रेड होने का तरीका वही होता है, अगर आप अपने आँखों को पोंछते हैं और उसके बाद आप कोई सरफेस को छूते हैं तो वो सरफेस को कोई और छूता है तो उनके हाथों में भी वायरस लग जाता है और वो उसके थ्रू उनके आँखों तक फैल सकता है। ये प्रिकॉशंस लेने से आप कंजंक्टिवाइटिस को अपने घर में बाकी लोगों को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और यूजुअली इन केसेस में आप देख सकते हैं कि कई बार ये पेशेंट्स के पूरी फैमिली को हो जाता है, इसलिए इसका स्प्रेड कराना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बचा सकें, इसको स्प्रेड होने से बचना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक ये बहुत ही बड़ी गलत धारणा है कि जिसे कंजंक्टिवाइटिस हुआ होता है इसकी तरफ देखने से ये कंजंक्टिवाइटिस आपको स्प्रेड हो सकता है। ये यूजुअली देखने से स्प्रेड नहीं होता है, पर इसका ट्रांसमिशन फोमाइट के थ्रू होता है, मतलब कि अगर आपने अपनी आँखों को छुआ है और अपने आँखों के आंसुओं को छू के आप कहीं छूते हैं तो उस जगह पे वायरस ट्रांसमिट हो जाता है और उसके थ्रू दूसरे इंसान को वो स्प्रेड हो सकता है। क्या चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी चाहिए कंजंक्टिवाइटिस में, हो सके तो अपने आप से ज़्यादा मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही ड्रॉप्स लें, हो सके तो स्टेरॉयड ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें। कई बार ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में स्टेरॉयड ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जिससे कि आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाती है कंडीशन से, पर अगर अंडरलाइन कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है तो वो फ्लेयर अप हो सकता है, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई ड्रॉप्स यूज़ ना करें तो बेटर होगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप इसको बाकी लोगों को घर में स्प्रेड होने से बचाएं, जिसके कि आप कॉन्स्टेंट हैंड वॉश और हैंड हाइजीन रखें कि इसका स्प्रेड आप बचा सकते हैं। कंजंक्टिवाइटिस कई बार सीरियस बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में कंजंक्टिवाइटिस के बाद आपकी पुतली या कि कॉर्निया के ऊपर कुछ वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिससे कि आपकी नज़र भी कम हो सकती है, और ये वाइट स्पॉट्स काफ़ी टाइम लंबे समय तक रहते हैं और नियरली एक एक साल भर तक वो कम नहीं होते हैं, और उससे आपकी नज़र भी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए इस कंडीशन को लाइटली ना लें, और आपको अगर कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो आपके डॉक्टर को इमीजिएटली दिखाएं
और उनकी सलाह से मेडिकेशन करें। मोस्ट केसेस में ये कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग होती है और इसका पूरी तरीके से इलाज पॉसिबल हो जाता है, पर अगर इन केस आपकी कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाती है तो आपको लंबे समय तक इसका इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। मैं डॉक्टर जतिन आशर मुंबई आई केयर से, आपकी कोई भी आई रिलेटेड क्वेरी के लिए हम उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ पे आई रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट मौजूद है। तो आपको अगर कोई आई रिलेटेड इश्यू है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें और हमें आप लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।